Very good morning, dear students. We are back in the BTN online classes, 12th Commerce Economics. In our last video, we have discussed about the saving function. And we already discussed about the saving curve. In this video, we will discuss about the MPS and EPS. We take the schedule again. Schedule apne jo liya tha, wo liya tha, income liya tha, 0, 100, 200, 300 and 400. अपने कंजम्पशन फंक्शन जो लिया था सी जो लिया था ऑटोनॉमस कंजम्पशन था 50 देन 100 देन 150 200 250 अपन ने एस कंप्यूट किया एस इज इक्वल टू हो गया इनकम माइनस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि 0 माइनस 50 दैट इज माइनस 50 0 50 100 150 ठीक है ये यहां तक का कंप्यूटेशन तो अपन अपने पिछले वीडियो में भी कर चुके थे आज बात करते हैं इसके प्रोपेंसिटी के बारे में अगर प्रोपेंसिटी की बात की जाए तो अपन जिस तरीके से कंजम्पशन में प्रोपेंसिटी पढ़ी थी यहां पर भी दो प्रोपेंसिटी अपन पढ़ेंगे एक पढ़ेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इसे स्लोप ऑफ सेविंग कर्व भी कहा जाएगा स्लोप ऑफ सेविंग कर ठीक है एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होता क्या है इसे अपन कहते हैं रेशियो बिटवीन टोटल सेविंग्स और सेविंग्स एंड डिफरेंट इनकम लेवल्स डिनोट करते हैं इसे एस अपॉन वाई से जबकि एमपीएस को एक्सप्लेन किया जाता है इट इज अ रेशियो बिटवीन चेंज इन सेविंग्स ड्यू टू चेंज इन इनकम अब यहां पर इसे कंप्यूट करके देखें तो एपीएस को अगर कंप्यूट किया जाए तो अपन ने कहा कि S अपॉन y यानी कि माइनस 50 अपॉन 0 माइनस इनफिनिटी तक इसकी वैल्यू हो सकती है 0 अपॉन 100 0 50 अपॉन 200 यानी कि 1 बाई 4 0.25 100 अपॉन 300 इसका मतलब हो गया 0.33 150 अपॉन 400 ये हो जाती है वैल्यू 3 अपॉन 8 0.375 ठीक है ये वैल्यू आई आपके पास में माइनस इनफिनिटी 0.25 0.33 0.375 निकाला कैसे गया निकालने का फॉर्मूला क्या काम लिया आपने एस अपॉन वाई इसी तरीके से एमपीएस अगर कंप्यूट करना हो तो यहां पर अपन ने कहा कि चेंज इन इनकम डिनोट नहीं होता एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता यानी कि यहां पर एमपीएस कंप्यूट नहीं होगा उसके बाद यहां जो चेंज मिला आपको पॉजिटिव 50 का चेंज मिला और यहां चेंज मिला 100 का तो 50 अपॉन 100 कितना हो गया 0.5 अगेन 50 अपॉन 100 0.5 कंप्यूट करने का तरीका बिल्कुल वही है जो आपके एपीसी और एपीएस का था बस कंजम्पशन की जगह क्या आ गया सेविंग्स आ गई अब बात कर लेते हैं एक बार इनके बिहेवियर की एपीसी के या एपीएस के बिहेवियर के बारे में अगर बात करें तो एपीएस की वैल्यू देखिएगा नेगेटिव में इनफाइनाइट तक जा सकती है इट्स वैल्यू कैन बी नेगेटिव नेगेटिव इनफाइनाइट ठीक है इसकी वैल्यू नेगेटिव इनफाइनाइट तक जा सकती है उसके बाद जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ता जाता है एपीएस का बिहेवियर क्या होता है एपीएस इंक्रीजेस विद द राइज इन द इनकम राइज इन द इनकम
लेकिन एक चीज ये ध्यान रखिएगा, इंक्रीज तो करता है बट इट कैन नेवर बिकम इक्वल टू वाई, लेकिन हमेशा ही इसकी वैल्यू क्या होगी, एस की वैल्यू कभी भी वाई के बराबर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी अ मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन कुछ तो होगा। अब जब एस वाई के बराबर नहीं हो सकता तो किसी भी हाल में इसकी वैल्यू वन नहीं हो सकती। एपीएस कैन नेवर बिकम वन, एपीएस कैन नेवर बिकम वन, वन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? उसका कारण क्या है? एज देयर विल ऑलवेज बी अ मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। इसके कारण होगा क्या? इसके कारण यह होगा कि जो सेविंग्स हैं वो हमेशा ही कम रहेंगी y से। जब सेविंग्स हमेशा ही कम रहेंगी y से तो ये वैल्यू कभी भी इक्वल टू वन नहीं हो सकती। ठीक है, ये तीनों पॉइंट अपन ने यहां पर देखे। अभी अपन बात करते हैं एमपीएस के बारे में। किसके बारे में बात करें? एमपीएस के बारे में बात करते हैं। एमपीएस रेशियो बताया अपन ने, एमपीएस की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है। अपन कहें कि भाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, यानी कि ड्यू टू एडिशनल चेंज इन इनकम व्हाट विल बी द चेंज इन द सेविंग्स। अगर इनकम में एडिशनल चेंज होता है तो सेविंग में चेंज कितना आएगा, उसे एमपीएस कहा अपन। तो अपन कहें कि एमपीएस होता क्या है? बिहेवियर ऑफ कंजम्पशन होता है, या बिहेवियर ऑफ सेविंग होता है, बिहेवियर ऑफ सेविंग। इसकी वैल्यू कैन वेरी बिटवीन 0 to 1, 0 से 1 के बीच में वैरी करेगी, ना तो 0 से कम होगी ना 1 को एक्सीड करेगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए इनकम आपकी 100 थी, अभी 200 है, तो इनके बीच में आने वाला चेंज है 100। इस चेंज जो इनकम है इसका कितना प्रपोर्शन आपने सेव किया। आप ना तो 100 रुपए से ज्यादा बचा सकते हैं ना 0 से कम सेव कर सकते हैं, तो ना तो ये वैल्यू नेगेटिव जाएगी और ना ही ये वैल्यू 1 से ऊपर जा सकती। ये वैल्यू किसके बीच में वैरी करेगी? 0 to 1 के बीच में वैरी करेगी। ठीक है, अब यहां पर एक बार मैं इसको पूरे तौर कर देता हूं। आपको कुछ एक प्रॉपर्टीज के बारे में यहां पर बताएंगे। अभी देखिएगा, क्वेश्चन जनरली ये पूछ लेता है प्रूव, प्रूव करिएगा, प्रूव क्या करना है? एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये 1 के बराबर होता है। जबकि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू भी 1 होता है। ये दो बहुत काम की प्रॉपर्टीज हैं आपके। अब कैसे होता है वो देखिएगा। एमपीसी का मतलब होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एमपीएस का मतलब होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा वाई कॉमन आ गया, एलसीएम ले लिया, ये डेल्टा सी हो गया प्लस डेल्टा एस हो गया। अब इन दोनों को अगर यहां ले लें, कॉमन डेल्टा को कॉमन ले लें बाहर, तो अंदर बचा सी प्लस एस अपॉन डेल्टा वाई। इनकम के दो ही पैरामीटर, या तो कंज्यूम किया जाएगा या सेव किया जाएगा, यानी इनकम ही बन जाता है दोबारा, यानी ये वैल्यू हो जाती है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1। ये आपने इसको प्रूव कर दिया। एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एमपीएस का फॉर्मूला डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। इनकम के दो ही सोर्स है आपके पास में, दो ही एप्लीकेशन से, या तो आप उसे कंज्यूम कर लेंगे या उसे सेव कर लेंगे। अब आप कहते हैं कि डेल्टा वाई आपने कॉमन ले लिया, यानी कि आपने एलसीएम ले लिया, उसके बाद यहां डेल्टा सी यहां डेल्टा एस, डेल्टा आप कॉमन लेकर के बाहर निकाल लें, सी प्लस एस अंदर रहिए, कंजम्पशन प्लस सेविंग, कंजम्पशन प्लस सेविंग दोबारा क्या बन जाएगा? सी प्लस एस क्या बन गया? वाई बन गया। क्या बन गया? वाई। वाई कैसे बन गया वो देखिएगा। आपने जब सेविंग्स निकालनी थी, जब आपने सेविंग्स निकालनी थी, आपने फॉर्मूला क्या काम लिया था? वाई माइनस सी लिया था। अब अपन कहें कि अगर मुझे
y की वैल्यू निकालनी है तो ये ट्रांसफर होकर इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगी वैल्यू, यानी कि y इज इक्वल टू s प्लस c हो जाएगा ना। ये लिखा है अपने यहां पर c प्लस s, ये भी प्लस की वैल्यू है, ये भी प्लस की वैल्यू है। अब अपन कहेंगे जब ये चीज हो जाती तो इस प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं, इस प्रॉपर्टी को अगर प्रूव करें ये वैल्यू बन जाएगी अपने उधर c अपॉन y, ये बन जाएगी c अपॉन s, सॉरी s अपॉन y, ये बन जाएगी c अपॉन s अपॉन y, y आ गया LCM, c as it is, s s as it is, c plus s दोबारा क्या बन जाएगा y, यानी कि y upon y is equal to 1। अगर मुझसे इन प्रॉपर्टीज को प्रूव करने के लिए कहा जाए तो मैं प्रूव इसके बेसिस पर करूंगा। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज एक बार लिख देता हूं मैं, इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज क्या हो सकती है। आपके एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस मैक्सिमम वैल्यूज, मिनिमम वैल्यूज। एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, एमपीएस की मैक्सिमम वैल्यू भी 1 हो सकती है। आपकी टोटल इनकम यानी कि आपकी इनकम में जो चेंज आया वो एडिशनल इनकम भी आपको सारी कंज्यूम कर ली गई। अगर सारी कंज्यूम कर ली गई, 100 रुपए से इनकम बढ़ी, 100 के 100 खर्च कर दिए तो एमपीसी की वैल्यू 1, और अगर सारा का सारा बचा लिया तो एमपीएस की वैल्यू 1। इनका इनवर्स एस्पेक्ट होता है, यानी कि एमपीसी अगर 1 है, 100 रुपए अगर आपकी इनकम दी गई, 100 रुपए आपकी इनकम बढ़ाई गई, आपको 100 रुपए दिए गए तो 100 रुपए अगर आपने सारे खर्च कर दिए तो बचाए कितने, 0, और सारे बचा लिए तो खर्च कितने किए, 0। ये इनकी इनवर्स वैल्यूज। इसी तरीके से एपीसी के बारे में बात करें तो एपीसी भैया कभी जीरो तो हो ही नहीं सकता। कार्य क्या है उसका, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंसेस। क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंसेस, यानी इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, लेकिन पॉजिटिव में तो इनफाइनाइट तक जा सकती है। पॉजिटिव में क्या हो सकती है, इनफाइनाइट तक जा सकती है। लेकिन अगर मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करें तो मिनिमम वैल्यू इसकी हमेशा और हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। क्या होगी, ग्रेटर देन, एक मिनट, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, इट कैन नेवर बिकम 0। ये 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसका कारण भी क्या है, इन दोनों का कारण क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंसेस, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंसेस। इसकी वैल्यू इनफाइनाइट तक जा सकती है, जब इनकम है 0, कंजम्पशन एक्सपेंसेस है 50, तो 50 अपॉन 0, इनकम 0, कंजम्पशन एक्सपेंसेस 50, यानी कि आपके पास में एपीसी अगर निकाला तो सी अपॉन वाई, तो वैल्यू हो सकती है इनफाइनाइट। लेकिन किसी भी हाल में कंजम्पशन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। जब कंजम्पशन 0 नहीं होगा तो उस हाल में एपीसी भी कभी 0 नहीं हो सकता, एपीसी की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी है। इसी तरीके से एपीएस की वैल्यू, एपीएस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब सेविंग्स के बारे में अगर बात कर लें तो देखिए, सेविंग्स है, सेविंग्स किसी भी हाल में आप चाहे कितना भी कमाते हो, सारा का सारा पैसा बचा सकते हैं कि कंजम्पशन, जब कंजम्पशन 0 नहीं होना तो सारा का सारा पैसा बचना भी नहीं, ठीक है। अगर कंजम्पशन की वैल्यू 0 नहीं होनी तो सेविंग्स कभी भी इसके इक्वल नहीं होगी। जब इसके इक्वल नहीं होगी तो इसका मतलब एस हमेशा छोटा रहेगा वाई से। जब एस हमेशा छोटा रहेगा वाई से तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, लेसर देन 1 हो सकती है। क्या हो सकती है, लेसर देन 1। लेकिन मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू तो भाई इस केस में -50 है तो -infinity तक जा सकती है। मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, -infinity तक हो सकती है। आज जो क्वेश्चंस किए गए हैं वो आपके लिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कवर होते हैं। आज के लिए आपका वीडियो इतना ही, इन टॉपिक्स को आपको रिकॉल करना है इन केस ऑफ एनी क्वेरीज यू मे आस्क मी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।